हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद और आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज हम सीखने वाले हैं शफल नोट के बारे में, जो कि न्यू 12.1 के बाद अपडेट हो गया है। तो कुछ लोगों को अभी वो शफल नोट में दिक्कत आ रही है, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाई जाए। तो आज मैं आपको पूरा बेसिक बताने वाला हूँ शफल नोट के बारे में, शफल नोट यूज़ कहाँ किया जाता है, और जो भी लोग पुराने शफल को यूज़ कर रहे थे वही काम वो न्यू शफल नोट के साथ कैसे कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको शफल नोट लेना कैसे है। जो आपका नया शफल नोट है आपको यहाँ पे टैप प्रेस करके शफल लेना है, यहाँ पे आपका नया शफल नोट आ जाने वाला है। जो भी लोग पुराना शफल नोट लेना चाहते हैं कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करें तो आपको ये पुराना शफल नोट मिल जाने वाला है। इसके अलावा आप कीबोर्ड में एक्स को प्रेस करेंगे, यहाँ में कमांड खुल जाएगी आपकी, यहाँ पे शफल लिखें और ओके करें तो आपको पुराना शफल फिर से मिल जाने वाला है। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है हमारे पास, यहाँ पे टैप प्रेस करें, अपडेट करें। अपडेट करने के बाद आप सारे के सारे प्लगइन यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही मैं शफल दबाऊंगा तो ये नया वाला शफल है और ये पुराना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप पुराना शफल देख सकते हैं। अभी मैं जो वर्जन यूज कर रहा हूँ न्यू का, वो है 13.2। आपका जो भी 12.1 से ऊपर का वर्जन है आपको ये सेम चीजें दिखने वाली हैं उसमें। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि शफल नोट करता क्या है। शफल नोट का सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास जैसे कि फुटेज में तीन कलर होते हैं, RGB, और एक आपके पास अल्फा होता है। अगर आपको किसी भी चैनल को किसी भी चैनल में शफल करना है, चेंज करना है, आप शफल नोट की हेल्प से उसे चेंज कर सकते हैं। आपको मैं आगे प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि आप शफल नोट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। अभी बेसिक आइडिया आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर किसी भी कलर को या किसी भी चैनल को आपको दूसरे चैनल में कन्वर्ट करना है या चेंज करना है तो आप शफल नोट की हेल्प से उसे शफल कर सकते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो पुराना शफल है और नए शफल में फ़र्क क्या है। ये हमारा पुराना शफल है और ये हमारा नया वाला है। तो जो हमारा नया है उसमें आप देखेंगे कि आपको ये डॉट 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 लाइन दिखाई दे रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपने अभी तक इसे कोई इनपुट नहीं दिया है। इनपुट का मतलब कि आपने अभी तक इसे कोई फुटेज में कनेक्ट नहीं किया। जैसे आप इसे कनेक्ट करेंगे तो ये आपकी डॉटेड लाइन एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाने वाली है। जब भी अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे, मतलब कि आपने इसे इनपुट नहीं दिया है या तो ये इनपुट से हट गया है, ठीक है। और जिन भी लोगों ने पुराना शफल यूज़ किया है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके अंदर कैसा था कि आपको एक ही जगह RGBA दिख जाता था। इसी के अंदर अगर आपको रेड चैनल को ब्लू चैनल में कन्वर्ट करना है या शफल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका रेड चैनल ब्लू चैनल में आ जाने वाला है। तो ये आपका शफल बहुत कंफ्यूजिंग था। अब ये शफल में आपका इतना इजी हो चुका है। अगर आपको रेड चैनल है, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। जो भी आपकी फुटेज में रेड है, ग्रीन है, ब्लू है और अल्फा है वो आपका इनपुट में रहने वाला है, और जो भी आप चेंजेस करने वाले हैं वो आपका आउटपुट में जाने वाला है। जैसे कि मैं रेड चैनल को ग्रीन चैनल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से इस पाइप को यहाँ जोड़ूंगा और यहाँ से इसको हटा दूंगा और ग्रीन को रेड में जोड़ दूंगा। तो मतलब कि मैंने रेड चैनल को ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया है, ग्रीन को रेड में शफल कर दिया। तो ये चीज़ आप इतनी आसान हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली। अभी इसी में आपको ये चीज़ देखने में दिक्कत आती थी, समझने में दिक्कत आती थी, तो ये चीज़ और भी सिंपल कर दी गई है न्यूक के द्वारा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके आगे बताऊंगा तो आपको सब क्लियर हो जाने वाला है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं तो उसके द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। अभी जैसे कि आपके पास यहाँ पे ब्लू, रेड, ग्रीन है, अगर आप इन्हें शफल करना चाहते हैं तो आप कैसे करते। यहाँ पे पहले मैं आपको एक पुराने शफल नोट से करके दिखाऊंगा, फिर आपको वही चीज़ सेम न्यू शफल से करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि अभी हमें यहाँ पे अपने चैनल को चेंज करना है। अभी मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा करना। तो अभी हुआ क्या है, मैंने क्या किया है, ये दो चैनल को बदल दिया है। आप देखेंगे रेड इधर आ गया है और ब्लू इधर आ गया है। मैंने किया क्या, यहाँ पे ये आपका R है
ये ग्रीन है और ये ब्लू है, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझा देता हूं मैंने किया क्या है। यहां पे आप देख रहे होंगे आर जी बी और इधर से आप देख रहे होंगे आर जी बी, तो ये ऐसे में चलता है। मैंने क्या किया, रेड को ब्लू कर दिया है और ब्लू को रेड कर दिया है। तो यहाँ पे ये बहुत कंफ्यूजिंग था समझने में लोगों के लिए कि आप कलर चेंज कर क्या रहे हैं, मैं इसको देखूं या इसको देखूं। इसी चीज को सिंपल करने के लिए अभी का जो नोड है शफल नोड, और यहाँ पे देखिए सिंपल यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। मैंने आपको बताया अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है मतलब इसे इनपुट मिल चुका है, अगर नहीं आ रही है तो नहीं मिला है। अभी इनपुट में मतलब आर जी बी जो आपका ये इनपुट है, मैं चाहता हूं कि ये जो रेड है ये ग्रीन में चला जाए और ग्रीन वाला रेड में चला जाए। सिंपल, कितना सिंपल है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई। आप ये आउटपुट चाहते हैं वो आपने यहाँ पे दे दिया। अभी मैं देखता हूँ, देखिए आपका रेड ग्रीन में चला गया। तो जैसे कि आप देखेंगे आपका जो रेड है वो ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन था वो रेड हो जाएगा, क्योंकि आपने सिंपल यहाँ से इसे चेंज कर दिया है। अभी जैसे कि मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे करूँ और ऐसे करूँ, अभी देखो सारे तीनों के तीनों चेंज हो गए हैं। तो आप सिंपल समझ सकते हैं हमने किया क्या है, हमने रेड चैनल को ब्लू में डाल दिया है, ग्रीन को रेड में डाल दिया है, ब्लू को ग्रीन में डाल दिया है, ठीक। और यहाँ पे अल्फा है, अगर मुझे अल्फा नहीं चाहिए तो इसको मैं हटाऊंगा, तो यहाँ पे अल्फा भी आपको दिखाई देने वाला नहीं है। इसके बाद अगर आपको इसको रीसेट करना है, आप इसे ड्रैग करके यहाँ डालेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है, आमने सामने आ जाएगा। इसे आप ऐसे प्लग दोबारा से हटा के दोबारा लगा भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक और चीज़ है, अगर आपको जैसे कि ये रेड है यही इसी का अल्फा चाहिए, अभी अल्फा चेक करेंगे, ए प्रेस करते हैं तो हमारे पास पूरा अल्फा है। अभी आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको रेड ही अल्फा मिले, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हटाएं इसे, रेड का अल्फा यहाँ जोड़ें, अभी आपको सिर्फ रेड का ही अल्फा यहाँ पे मिलने वाला है। यही आप ब्लू चाहते हैं तो आप ब्लू का अल्फा मिलेगा। तो सिंपल इतना सा है कि आपके पास जो इनपुट है वो जो आउटपुट यहाँ पे आप देंगे वो आपको यहाँ पे विजिबल होने वाला है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी जो लोगों को बहुत दिक्कत भी दे रही थी, लेकिन यहाँ पे न्यूक ने बहुत ही सिंपल कर दिया है। तो आप जो कनेक्शन जहाँ जोड़ेंगे आपको दिखेगा भी कि आपने क्या चेंज किया है क्या नहीं किया है, ठीक है। कि आपके पास ये फुटेज है, ठीक है, इसके अंदर अल्फा नहीं है और आपको अलग से एक अल्फा दिया है, उसका अल्फा सिर्फ आप रेड चैनल में चेक कर पा रहे हैं। देखेंगे आप भी, मैं रेड चैनल पे हूँ तो अल्फा दिखाई दे रहा है, ग्रीन में आऊँगा नहीं दिखाई दे रहा है, बी में आऊँगा नहीं दिखाई दे रहा है, ए में आऊँगा तो नहीं दिखाई दे रहा है। अभी इसको हम पुराने सफल से कैसे करते थे वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम पुराना सफल लेते हैं, इसे यहाँ कनेक्ट करते हैं। तो हम क्या करते थे कि हम उसे बता देते थे कि हमें ये रेड चैनल को ग्रीन में डालना है, ब्लू में डालना है, अल्फा में डालना है, इससे हमारा ये अल्फा बन जाता है। अभी आप देखेंगे रेड पे भी अल्फा है, ग्रीन में भी अल्फा है, बी में भी है, ए में भी है, ठीक है। ये चीज़ हमने पुराने वाले में करके देख ली, यही चीज़ अभी मुझे नए शफल में करनी है, तो ये और ज़्यादा सिंपल हो चुकी है। अभी आपको सिंपली क्या करना है, कीबोर्ड में अल्ट की को प्रेस करके रखना है और ड्रैग कर देना है इस तरफ, तो आपकी सारी की रेड ग्रीन ब्लू अल्फा में कनेक्ट हो जाएंगी और ऑटोमेटिक आपके रेड ग्रीन ब्लू ए में अल्फा आ जाने वाला है। और यहाँ से कॉपी नोड का ए यहाँ जोड़ूंगा, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे इस फुटेज में अल्फा मिल चुका है। सिंपल, अगर आपके पास रेड चैनल ग्रीन चैनल में कोई अल्फा है उसे भी आप सिंपली ऑल्ट प्रेस करके ऐसे जोड़ेंगे तो आपका ग्रीन का अल्फा बाकी चैनल्स में भी आ जाएगा। इतना सिंपल ये है, ये आपका इनपुट है, जो भी आउटपुट आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे देते हैं, सिंपल सा इतना है। इसके बाद कई बार क्या होता है कि हमें कोई भी शॉट के अंदर से अल्फा को रिमूव करना पड़ता है, हमें अल्फा नहीं चाहिए होता, तो उसे रिमूव करने के लिए मैं आपको पहले प्रीवियस तरीका बताता हूँ पहले कैसे यूज करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे अल्फा है, इसके बाद मैं पुराना सफल लेता हूँ, यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे टिक करते थे तो हमारा अल्फा यहाँ से रिमूव कर दिया जाता था, ठीक। यही चीज़ अब नए सफल में कैसे करेंगे, यहाँ कनेक्ट किया तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये डी जैसा ये कुछ बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, ब्लैक का मतलब है कि कोई भी अल्फा आपके शॉट में नहीं रहेगा, वो ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक मतलब अल्फा नहीं है, वाइट मतलब कि अल्फा है।
जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा यहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा, और व्यू करता हूँ तो यहाँ पे अल्फा अब नहीं है कि जो यहाँ पे था, ठीक है। अल्फा गायब करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है जिससे आपका अल्फा चला जाएगा शॉर्ट में से। और सेम चीज अगर आपको अल्फा ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे, ये आपका पुराना शफल है, इसमें आपको अगर ओवरऑल अल्फा चाहिए, सॉलिड अल्फा चाहिए, ये अल्फा नहीं सॉलिड अल्फा चाहिए, पूरा जितना आपका कैनवस है उतना अल्फा चाहिए, तो आप क्या करते थे यहाँ पे क्लिक करते थे तो आपका अल्फा पूरा का पूरा यहाँ पे आपके पास आ जाता था। कई बार क्या होता था कि आपके शॉट में अल्फा नहीं है तो आपका अल्फा कट करके सही नहीं आता, तो आपको अल्फा जनरेट करना पड़ता है, तो ऐसे करके आप अल्फा जनरेट करते थे। यही चीज आप नए शफल के साथ कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे करें और यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का ये दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे प्रॉपर आपको वैसा अल्फा यहाँ पे मिल जाने वाला है। इसके बाद आपको याद होगा पुराने शफल में आपको एक और शफल मिलता था, शफल कॉपी। शफल कॉपी क्या काम करता था आपका, कि आपकी कोई दूसरी इमेज का अल्फा आपको दूसरी इमेज में चाहिए तो शफल कॉपी आपका वैसे काम करता था। इसके अंदर शफल भी था और कॉपी भी था। आपको पता होगा कॉपी हमारे लिए किस लिए यूज किया जाता है, कि हम किसी भी अल्फा को या कोई भी चैनल को दूसरी फुटेज के अंदर ट्रांसफर कर सके। आपको इतना नोट लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो नया शफल आया है उसके अंदर शफल कॉपी ऑटोमेटिक पहले से ही दिया गया है, आपको अलग से शफल कॉपी के यूज करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये आपका शफल है, ठीक। अभी आप क्या चाहते हैं कि इसका जो अल्फा है वो मुझे यहाँ पे दिखाई देने वाला, यहाँ पे दिखाई दे, तो सबसे पहले मैं इसका अल्फा यहाँ से हटा देता हूँ, तो मुझे अल्फा दिखाई देना बंद हो गया गाड़ी का। इसके बाद ये जो पाइप है इसको मुझे यहाँ कनेक्ट करना है, इसको ए करना है और यहाँ पे कर देना है RGBA। सिंपली अभी आपको समझ में आ गया ए पाइप से मतलब कि इसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे है, ठीक। अभी मैं क्या चाहता हूँ, इसका अल्फा मुझे आउटपुट में दिखाई दे, तो अभी चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट में उसका अल्फा दिखाई दे रहा है। तो देखो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना सिंपल है। जो भी आपका इनपुट है आप आउटपुट में जो भी वैल्यू देंगे, जो भी कनेक्शन देंगे, वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। जिन भी लोगों को शफल यूज करने में दिक्कत आ रही थी वो सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी किसी चीज़ के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा वहाँ पे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली बार मिलते हैं, धन्यवाद।